बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अफजाल अरशद है। मैं आपके साथ आज एक कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, पूरियाँ। पूरियाँ बनाना मैंने काफ़ी टाइम पहले सीखा था और उसके बाद मुझे कभी बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस तरह बाज़ार में बनती हैं वही तरीका मैं आपको एलेबोरेट कर दूँगा अपने किचन के अंदर, ताकि आप आसानी से घर पर बना सकें और आपको हलवा पूरी बनाते हुए कोई मसला ना आए। ये फेल प्रूफ रेसिपी होगी, अगर आप इसको इसी तरह फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको कभी पूरियाँ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, लेकिन उससे ज़्यादा आसान तरीके से आज बनाएँगे। सबसे पहले आपने मैदा लेना है। मैदा आपका छना हुआ हो, आधा किलो मैदा एक बॉल के अंदर ले लें और इसके अंदर थोड़ा सा आपने नमक डाल लेना है, मतलब कि एक दो पिंच के बराबर, हाफ़ टी स्पून, थोड़ा सा इसके अंदर हल्का सा फ्लेवर आ जाए। इसके अलावा इसके अंदर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी डालेंगे और इसको इसकी डो बना लेंगे। अब मेन चीज़ यहाँ पर आती है कि इसके अंदर पानी कितना जाएगा। तकरीबन आधा किलो मैदे के अंदर 1.5 कप के करीब पानी चला जाएगा और उस पानी से ये डो जो है नरम बनेगी। सख्त डो नहीं बनानी हमने, इसकी नरम डो बनानी है। जिस तरह हम घर पे आप रोटियां बनाते हैं ना, तो रोटी के लिए नरम आटा बनाया जाता है ताकि रोटी को अच्छी तरह बड़ा करने में आसानी हो, तो उसी तरह इसकी डो है कि इसको अगर आप सख्त रख देंगे तो बाद में इसकी प्रॉपर पूरी नहीं बनेगी और वो अकड़ जाएगी। अच्छा, जब ये डो की शक्ल में आ जाए तो इसको आपने एक टेबल पर निकालना है। अब देखेंगे ये डो नरम कितनी है, ये देखें कि ये ऑटोमेटिकली इसको आप थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो ये ढलती जाएगी, इस तरह नरम होनी चाहिए। और इसको अब जो है इस तरह हाथ की हथेली से आप थोड़ा सा इस तरह मसलेंगे तो इसके अंदर ग्लूटन पैदा होगा और उससे इस डो के अंदर एक लचक आ जाएगी और स्मूथनेस आएगी इसके अंदर। ये देखें, इस तरह 3-4 मिनट के लिए इसको इस तरह गूंदें, इस तरह इसको लंबा करके इसके हम पेड़े बना लेंगे। अब इसमें जो ख़ास स्टेप है ना, वो आता है कि इसको आपने एक जिस बर्तन में भी आप इसको रखेंगे ना, पहले तो उसको आपने अच्छी तरह ग्रीस करना है। घी लगा लें, अच्छी तरह घी, ऑयल कुछ भी हो आपके पास वो लगा लें, ताकि ये आटा क्योंकि नरम है ये नीचे ना चिपके। अब ये जो पेड़े हैं ना, इनको इधर रख दें इसके अंदर और इन पेड़ों के ऊपर भी ये आपने अच्छी तरह घी लगाना है। ये देखिए, ये घी है मेरे पास, इसको सर्दियाँ हैं तो मैंने इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया हुआ है, तो ये घी इसके ऊपर जाएगा अच्छी तरह ज़्यादा क्वांटिटी में। इससे ये जो डो है ना, ये बहुत ज़्यादा नरम होगी। अच्छी पूरियाँ बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा दुकान वाले जो हैं वो उनके जो पेड़े होते हैं वो घी के अंदर डिप हुए हुए होते हैं, मतलब अच्छी तरह घी लगाया होता है और उनको रेस्ट दिया जाता है उसके अंदर। उसकी वजह ये है कि जब फैट इस डो के अंदर जाती है ना, तो ये इतनी नरम हो जाती है कि आपको इसको बहुत ज़्यादा बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप हाथ लगाते हैं तो ये अच्छी तरह फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, और जब ऑयल में डालते हैं तो प्रॉपर फूली हुई और नरम पूरी बनती है। तो वही इसके अंदर कॉन्सेप्ट है कि इन पेड़ों को घी अच्छी तरह आपने लगा के रखना है, फिर आपकी अच्छी पूरियाँ बनेंगी। ये एक मेन इसके अंदर जो है वो कह लेंगे एक सीक्रेट आप कह लेंगे। अब जबकि इसको हमने इन पेड़ों को अच्छी तरह घी लगा के इधर रख दिया, अब इनको आपने ढक के रख देना है रेस्ट देने के लिए। आधे से पौना घंटा इसको लाजमी रेस्ट चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा बेहतर है। तकरीबन 1 घंटे के लिए आप इसको छोड़ें, उसके बाद हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। अब आटा गूंदने वाला काम तो हमारा हो गया है, आटा तैयार भी है, 1 घंटा उसको रेस्ट दे दिया। अब जो अगली मेन चीज़ इसमें आती है वो ये है कि इसको आपने फ्राई कैसे करना है। अब जितनी गलतियाँ आप लोगों से होती हैं वो इसी पॉइंट पे होती हैं कि आप इसको तेल को गर्म नहीं करते। जब तेल गर्म नहीं होगा तो दो मसले आएंगे, एक तो आपकी पूरी अकड़ेगी, नरम नहीं होगी, दूसरे नंबर पे ऑयली हो जाएगी। ठंडे तेल में डालेंगे तो वो मैदा उस ऑयल को चूस लेगा, दूसरे नंबर पे अगर प्रॉपरली गर्म नहीं होगा तो आपकी पूरी फूलेगी नहीं, उसी टाइम पे अकड़ जाएगी और मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और सही तरह वो फूल नहीं पाएगी। इसलिए तेल आपका गर्म होना चाहिए। कितना गर्म होना चाहिए ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी आपको इधर नज़र आ रहा है 172 पे इसका टेम्परेचर है, 172 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो इतना इसका टेम्परेचर होगा, इसके अंदर से हल्का हल्का आपको धुआं उठता हुआ नज़र आए तो फिर ये प्रॉपरली गर्म होगा। अब ये जो पेड़े हैं हमने इधर रखे थे, ये आप एक टेबल के ऊपर इस तरह ग्रीस कर लें, घी लगा लें, ताकि इस पेड़े को हम बड़ा कर सकें। आपने ये पेड़ा इधर से लेना है और ये इधर रेस्ट देने के बाद ऐसे हो जाएगा जैसे मलाई होती है, इसको आप हाथ लगाएंगे ये इस तरह बढ़ता जाएगा, ये देखें। तो इसी तरह इस पेड़े को होना चाहिए और इसको आप हाथों से बड़ा कर लें। आपको रोटी की तरह इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाथ लगाते जाएं,
ये खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। और एक आपने जो नॉर्मल साइज़ की पूरी होती है उतने साइज़ में इसको ले जाना, ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो कहीं से, इसकी थिकनेस बराबर होगी तो ये पूरी फटेगी नहीं और प्रॉपर फूल जाएगी। और जब तेल गर्म हो तो इसको उठा के आपने इस ऑयल के अंदर डाल देना है और इसको ऑयल के अंदर रहने देना है, फिर ये फूलेगी, इसके ऊपर ऑयल जाना चाहिए। ये देख रहे हैं किस तरह ये गुब्बारा बन गया। बस इसको आपने इससे ज़्यादा नहीं पकाना, ये जितने जितना टाइम इसको फूलने में लगेगा 3 से 4 से 5 सेकेंड उतना टाइम इसको पकने में लगता है। ये बिल्कुल लाइट सॉफ्ट पकी हुई, उसका राज यही है कि तेल गर्म होगा एकदम से पूरी फूलेगी, उतनी देर में ये पक जाएगी जितना इसमें अधिक हमने रेस्ट दिया और अच्छी तरह पकाया, और बिल्कुल लाइट पूरी है, इसके अंदर तेल नहीं होगा। अब इसको निकाल के इधर हम रखते जाएंगे। और ये हर पूरी के साथ होगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका लक है तो कोई फूल जाएगी कोई रह जाएगी, मतलब इसका तरीका आप फॉलो करेंगे तो ये पूरियाँ अच्छी तरह आपकी बेहतरीन पकेंगी। तो जी पूरियाँ हमारी तैयार हैं ज़बरदस्त, और मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी सॉफ्ट हैं। इधर देखें ये बेहतरीन फूली हुई है। सबसे पहले तो चीज़ नोट करने वाली है कि इसके ऊपर ऑयल कोई नहीं है, ये ड्राई है बिल्कुल, ये जो मेरे हाथों को पहले से ऑयल लगा हुआ है वही है, ऐसा नहीं होगा कि ऑयल में नुचड़ी हुई होंगी। दूसरे नंबर पर ये चीज़ देखें, ये देख रहे हैं सॉफ्ट पूरी है, इसके अंदर हमने कोई दही कोई चीज़ नहीं डाली लेकिन फिर भी इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। और ये नहीं सिर्फ, ये देखें सारी पूरियाँ आपको इसी तरह मिलेंगी। ये देखिए और जब आप इसको तोड़ेंगे तो भी नरम है, ये देखिए वो नहीं है, वो रबड़ होती है ना, एक पूरी जो होती है वो रबड़ की तरह होती है, वो चीज़ नहीं है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और बेहतरीन। इसी तरह आप बनाएंगे तो पूरी बनाते हुए इंशाल्लाह आप अब कभी फेल नहीं होंगे, अगर आप ये सारी चीज़ें स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपकी बेहतरीन पूरियाँ बनेंगी। तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, इन पूरियों को ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, आपके साथ आगे इसकी जो आलू की सब्ज़ी बनती है इसके साथ वो भी ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।